नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ, इसलिए कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है, हाथ में बीगो भी लगा है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामग्री। आधा लीटर मैंने दूध लिया है, गाय का दूध है दोस्तों, इसे मैं गरम करूंगी और चलाते रहूंगी। दोस्तों, इस समय हमारी तबीयत नहीं सही है, इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। ये मेरा पहले का वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। इधर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच विनेगर, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, चलाते जाएंगे। दूध हमारा फटने लगा है, आप लोग देख सकते हैं, फट चुका है, बहुत अच्छे से दूध फटा है, आप लोग देख सकते हैं, दूध और पानी बिल्कुल अलग हो गया है। इसी तरीके हमें छेना चाहिए। दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई। इसके लिए मैं छेना बना ली हूँ दोस्तों। एक सूती कपड़े में इसे छानेंगे, ठंडे पानी से थोड़ा इसको धो देंगे, विनेगर का स्मेल ख़त्म हो जाए, और इसे अच्छी तरह से दोनों हाथ से दबा के इसका पानी निकाल देंगे। 1 घंटे के लिए इसे बांध के लटका देंगे कहीं। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया है, इसे सारा पानी इसका निकाल देंगे इसी तरह से। आप लोग देख सकते हैं, छेना हमारा बनके तैयार है। इसको अच्छी तरह से मस लेंगे, 10-15 मिनट मिल चिकना करेंगे, कदेली की सहायता से इसको मसलते रहेंगे अच्छी तरह से, तभी हमारा रसमलाई सॉफ्ट बनेगा। बहुत ही चिकना हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। इसी तरह मैं रसमलाई को बनाऊँगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा रसमलाई बन रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक और इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच मैदा और इसे 10 मिनट तक अच्छी तरह से मसल देंगे। मैदा और पनीर मिक्स करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट इसका इसको बनाना है, इसी तरह से इसे मसलते रहेंगे। इधर मैंने दूध को चढ़ा दिया है रबी के लिए, 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है। पनीर को 10-15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। इधर मैं रबड़ी बना लेती हूँ, मिठास के अनुसार चीनी को डालेंगे, चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी इलायची है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है, इसको भी मिला देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे दोस्तों, आप केसर भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास केसर नहीं है इसलिए मैं फूड कलर यूज़ करती हूँ, ऑरेंज फूड कलर है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे रबड़ी को। रबड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, इसे एक बर्तन में पलट देंगे, कढ़ाई को साफ़ करके चूल्हे पर चढ़ाएँगे। इसमें डालेंगे 1/2 लीटर पानी, 250 ग्राम चीनी डालेंगे, इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चम्मच की सहायता से इसे चलाएंगे। इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है, इधर मैं छेना को थोड़ा और मसल देती हूँ, छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे।
आप छोटा या बड़ा अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। दोनों हाथों की सहायता से इसको मस लेंगे, गोल बनाएंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे। इसी तरह मैं रसमलाई को बनाऊंगी और चाशनी में डालूंगी। सारी रसमलाई बना के मैं इसी तरह से चाशनी में डाल दूंगी। इसे 30 से 35 मिनट तक इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, पकाएंगे। 10 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। एक थाली से बंद कर देंगे। इसे एक बार फिर से पलट देती हूँ। रसमलाई हमारी बनके तैयार है। इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब इसे मैं रबड़ी में डाल दूँगी। सारी रसमलाई मैं इसी तरह से रबड़ी में डाल दूँगी और इसे एक बार उलट पलट दूँगी। एक घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। दोस्तों, एक बार आप लोग अपने घर पर रसमलाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनी हुई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी रबड़ी मिक्स हो चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी हुई। दोस्तों, एक बार आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।